बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेफ एकेडमी से बायोलेक्चुरिया के चैनल पर मैं हूं नाजिया कंवल। कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक। मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे लेक्चर जो है आप लोगों के लिए बहुत ही जो है हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है इनसे, और बेहतरीन लेक्चर जो है वो आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो एक चीज़ का जो मैं हर लेक्चर में साथ साथ बोल रही होती हूँ के इसके असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की जो है वो टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो है जनरल जूलॉजी के जो लेक्चर पीपीएससी की जूलॉजी और बायोलॉजी की तैयारी के दौरान जो ये बायोलेक्चुरिया ने आपको प्रोवाइड किए थे हमारी टीम की तरफ से, वो सारे आपने साथ साथ तैयार करने हैं। क्योंकि ये जो टेस्ट होगा उसमें से जनरल जूलॉजी में से काफ़ी सारे होंगे जिसमें बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होंगे, और जो है जेनेटिक्स को भी आपने देखना है, फिजियोलॉजी जितने भी लेक्चर वो दिए हैं उनको आपने देखना है, और साथ साथ जो है ये आपने वाइल्ड लाइफ के जो आप लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, क्विज जो है वो दिए जा रहे हैं, वो सारे आपने उनसे भी उनको आपने देखना है, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। न्यू कमर्स जो है जिन्होंने न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक जो है वो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, मैं पहले भी जो पीपीएससी की जो है वो इसकी जूलॉजी के टेस्ट की तैयारी करवा रही थी तो तब भी मैंने वाइल्ड लाइफ के हवाले से ये दिया था, लेकिन अब जरा डिटेल में दे रही हूँ, नेशनल प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ पाकिस्तान। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, ये आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 4 है। आज का स्टार्ट करते हैं। नेशनल प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ पाकिस्तान, ये एक लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नेशनल मैमल कौन सा है, नेशनल बर्ड कौन सा है, फिश कौन सी है, रेप्टाइल कौन सा है, नेशनल एक्वाटिक मरीन मैमल जो है वो कौन सा है, प्रेडेटर फ्लावर्स, नेशनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नेशनल ट्री, ये सारे जो है यहाँ पे डिस्कस होंगे। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वन बाय वन डिस्कस होंगे। तो मैमल हमारे पास है जी मारकोर, गोट फैमिली से है, ये लार्जेस्ट गोट है और इसका साइंटिफिक नेम है कैप्रा फाल्कोनेरी। तो ये पाकिस्तान का जो है नेशनल मैमल है। और अगर हम बात करें नेशनल बर्ड की तो चकोर पार्ट्रीज, जिसे कॉमनली चकोर भी कहते हैं, यहाँ पे चकोर पार्ट्रीज जो है तो जिसे चकोर का नाम भी दिया जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है इलेक्टोरस चकर। तो ये साइंटिफिक जो है ये उसका नेशनल बर्ड है पाकिस्तान का। इसके साथ ही मैंने ये स्टेट बर्ड भी, कि अगर स्टेट बर्ड आ जाए, नेशनल बर्ड के बारे में ना पूछा जाए लेकिन स्टेट बर्ड आ जाए, तो वो शाहीन फाल्कन है, उसको आपने नेशनल बर्ड नहीं कहना कि शाहीन फाल्कन है तो अल्लामा इकबाल ने इसके ऊपर शायरी की है तो ये हमारा नेशनल बर्ड ही हो जाएगा, ऐसे नहीं है, ये स्टेट बर्ड है। बट द नेशनल बर्ड इज अ चकोर पार्ट्रीज, चकोर फिजेंट, और इसको चकोर बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है इलेक्टोरस चकोर। फिश कौन सी है जी नेशनल फिश पाकिस्तान की? वो है हेमालाइन गोल्डन महासीर। हेमालाइन गोल्डन महासीर पाकिस्तान के हर प्रोविंस में आपको ये मिलेगी और इसका साइंटिफिक नाम है टॉर प्यूटिटोरा। तो ये गेम फिश है और बहुत बड़ा, इसका काफी बड़ा साइज है, कार्प से रिलेटेड है ये जो ये फिश की जो टाइप है कार्प, ये वो है, और माइग्रेटरी फिश है पाकिस्तान की, ये नेशनल फिश है। नेशनल फिश कौन सी है? हेमालाइन गोल्डन महासीर, गोल्डन कलर की ये होती है। तो हेमालाइन गोल्डन महासीर क्या है? ये पाकिस्तान की क्या है? नेशनल फिश है। रेप्टाइल कौन सा है जी? मगर, मगर मार्श क्रोकोडाइल, मगर भी क्रोकोडाइल भी बोलते हैं, इसे मार्श क्रोकोडाइल भी बोलते हैं। तो क्रोकोडाइलस पेलिस्ट्रस जो है ये पाकिस्तान का क्या है? ये नेशनल रेप्टाइल है। और नेशनल एक्वाटिक मैरीन मैमल अगर पूछा जाए वो कौन सा है, तो वो इंडस रिवर डॉल्फिन है। और नेशनल प्रीडेटर अगर पूछा जाए कि नेशनल प्रीडेटर कौन सा है, तो वो स्नो लेपर्ड है, पैंथीरा अंसिया। पैंथीरा अंसिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्नो लेपर्ड। तो नेशनल प्रीडेटर कौन सा है? स्नो लेपर्ड। और फ्लावर जो है हमारा नेशनल, वो कॉमन जैस्मीन है, जैसे आप सबको पता है इसका कि कॉमन जैस्मीन इज आवर नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्रूट जो है हमारा वो मैंगो है, नेशनल वेजिटेबल लेडी फिंगर है, और नेशनल ट्री जो है वो देवदार है, सेड्रस के नाम से भी इसे बोलते हैं। तो देवदार हमारा क्या है?
नेशनल ट्री है। इनमें से जो फेमस फेमस है वो देख लेते हैं वन बाय वन। तो ये मैं उम्मीद करूंगी कि ये आपके लिए जो है ये आपको पहले पता भी होगी इंफॉर्मेशन, लेकिन ये सारी मैंने इकट्ठी कर दी है ताकि ये आपको इसका जो है वो आपके पेपर के लिए, आपके वाइल्ड लाइफ के टेस्ट के लिए या आपके इंटरव्यू के लिए ये हेल्पफुल हो। और वैसे भी एज अ जूलॉजिस्ट जो है या बायोलॉजिस्ट हमें इन चीज़ों का पता हो। फिर से बता दूं कि मैमल जो है नेशनल मैमल मार्क 4 है, बर्ड जो है वो चकोर पार्ट्रिज या चकोर है, स्टेट बर्ड जो है जो नेशनल नहीं है शाहीन फाल्कन है, फिश जो है वो हेमालाइन गोल्डन महासीर है, रेप्टाइल जो है वो मगर या मार्श क्रोकोडाइल है, नेशनल या एक्वेटिक मरीन मैमल कौन सा है इंडस ब्लाइंड रिवर डॉल्फिन, और नेशनल प्रीडेटर कौन सा है स्नो लेपर्ड, और फ्लावर कौन सा है कॉमन जैस्मीन, नेशनल फ्रूट कौन सा है मैंगो, नेशनल वेजिटेबल कौन सी है लेडी फिंगर, और नेशनल ट्री कौन सा है देवदार। बढ़ते हैं जी आगे। यहाँ जी जैसे ये चकोर की जो है इमेज लिया गया है, चकोर का जो ये नेशनल हमारा मैमल है जो इंडेंजर्ड स्पीशी भी है वो मार 4 है, और ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े और जिगजैग बहुत मुड़े हुए सींग रखने वाली, हॉर्न रखने वाली, सिक्रियों की तरह के, जैसे सिक्रियो होता है सिक्रियों की तरह के हॉर्न रखने वाली, बड़ी बड़ी थिक फर रखने वाली और बड़ी गोट है मार 4। तो ये पाकिस्तान का क्या है नेशनल मैमल है, और चकोर पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। हाँ जी, इधर से चंबेली भी बोलते हैं जैस्मीन, ये हमारा कॉमन जो है ये नेशनल क्या है ये फ्लावर है चंबेली या जैस्मीन, और देवदार जो नॉर्दर्न एरिया में है ये आपको नजर भी आ रहा है ये हमारा क्या है नेशनल ट्री है। और ये क्या है मगर क्रोकोडाइल, जो कि अब बहुत इंतहाई अफसोस की बात है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पंजाब डिस्ट्रिक्ट में ये क्या हो गए, ये एक्सटिंक्ट हो गए, ये नहीं पाए जाते। सिंध में बलूचिस्तान में हमें चंद जो है इनके मेंबर मिलते हैं, हाईली क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी है पाकिस्तान की, और ये हमारा बर्ड ये सॉरी रेप्टाइल क्या है ये नेशनल रेप्टाइल है मगर क्रोकोडाइल। मार 4 को देखते हैं कि मार 4 में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है इसके हवाले से जो इम्पोर्टेंट हो सकती है, मैंने इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है आज। मार 4 जो है नेशनल मैमल तो है ही है, इसके अलावा क्या है कि फाउंड इन वुडेड माउंटेनियस रीजन इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान, कि ये माउंटेनियस नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन जो है पाकिस्तान का वहां पे ये मार 4 पाया जाता है। लार्जेस्ट मेंबर ऑफ गोट फैमिली, ये गोट फैमिली का लार्जेस्ट मेंबर है, और मार 4 एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है स्नेक ईटर, सांप को खाने वाला, सांपों को खाने वाली ये गोट है, और एक्सट्रीमली स्किल्ड क्लाइंबर क्लाइंबर है ये, बेशक ये लार्ज साइज रखता है लेकिन उसके बावजूद ये आसानी से ट्री के ऊपर चढ़ जाता है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी है पाकिस्तान की मार 4 जो है ये इंडेंजर्ड स्पीशी है, सॉरी इंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ पाकिस्तान। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज में इसके लिए चित्राल गोल नेशनल पार्क बनाया गया, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चित्राल गोल नेशनल पार्क वाज टू कंजर्व मार 4, और अब जो करंट इसकी पॉपुलेशन है वो लेस देन 3000 है मार 4 की 3000, और ये नेशनल पार्क में भी रखा गया है वहां भी इसकी कंजर्वेशन, लेकिन चित्राल गोल नेशनल पार्क का जो मेन मकसद था बनाने का वो मार 4 की कंजर्वेशन थी। उसके बाद अभी चकोर, चकोर को नेशनल बर्ड तो है ही है, इसको गेम बर्ड भी बोलते हैं, फिजेंट फैमिली से फिजिनाइडी फैमिली जो है ये फीजेंट की फैमिली का ये गेम बर्ड है, कॉमनली प्रेजेंट इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये पाया जाता है। हैबिटेट क्या है, प्रेफर रॉकी स्टेप्स एंड ओपन हिल साइड्स, जो हिली एरिया है रॉकी एरिया है वहां पर ये पाया जाता है। मीडियम साइज का होता है, इसकी एवरेज लेंथ 34 से 38 सेंटीमीटर है ये इसकी लेंथ है, और एवरेज लाइफ स्पैन जो है इसका 2 से 5 ईयर है वाइल्ड में, ये जो है वो 2 से 5 साल तक ये जो है रहता है जिंदा। एवरेज स्पीड इसकी क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, और कैन नॉट फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस, ज्यादा ये डिस्टेंस तक फ्लाई नहीं करता और ज्यादा ऊंचा भी ये फ्लाई नहीं करता। कौन सा, चकोर, जो कि पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है।
उसके बाद है जी मगर क्रोकोडाइल, मीडियम साइज क्रोकोडाइल विद ब्रॉडर स्नाउट, ग्रेश ब्राउन इन कलर। मैं ऑलरेडी इसको दिखा चुकी हूँ, ग्रेश ब्राउन कलर है इसका, ब्रॉडर स्नाउट है, मीडियम साइज है, और इसको आपने क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ पाकिस्तान कहना है, क्योंकि पंजाब के सूबे में ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है ड्यू टू द अल्टरेशन ऑफ हैबिटेट एंड कमर्शियल हंटिंग। इसकी वजह से, हैबिटेट के अल्टरेशन की वजह से, फ्रेगमेंटेशन की वजह से, और कमर्शियल जो है कमर्शियल लेवल पे जो हंटिंग है उसकी वजह से ये पंजाब में ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। स्मॉल पॉपुलेशन इन नारा कैनाल एंड हैलेजी लेक। नारा कैनाल जो कि अब इसका नारा डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो वहां पर इसके चंद मेंबर हमें मिलते हैं। हालिजी लेक जो है वहां पर मिलते हैं, अदरवाइज जो है ये क्या है, ये हाईली या क्रिटिकली इंडेंजर स्पीशी है पाकिस्तान की। रहता कहाँ है जी मगर क्रोकोडाइल, ये लेक्स में भी, रिवर में भी, और मार्शी जो एरिया है वहां पर भी, स्लो मूविंग और शैलो वाटर में ये पाया जाता है। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं ग्रेश जो है, ग्रेश ब्राउन कलर का ये है मगर क्रोकोडाइल। उसके बाद है जी महासीर। महासीर जो है हेमालयन गोल्डन महासीर, जो के पाकिस्तान की नेशनल फिश है। हेमालयन गोल्डन महासीर कमर्शियली इंपॉर्टेंट गेम फिश एज वेल एज फूड। ये वैसे जो है ये गेम फिश है, लेकिन इसको फूड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हैबिटेट क्या है, सेमी कोल्ड वाटर में है, बोथ इन रिवर एंड लेक। इसका सेमी कोल्ड वाटर है, दोनों में पाई जाती है, रिवर में भी और लेक्स में भी, और पाकिस्तान के एक्वा कल्चर में महासीर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये पाकिस्तान के हर सूबे में पाई जाती है, और ये पाकिस्तान के सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, रिवर ऑफ स्वात, कैपी के रिवर ऑफ स्वात। यही वजह है कि इसे किंग ऑफ स्वात का नाम भी दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, महासीर को किंग ऑफ स्वात बोला जाता है, किंग ऑफ स्वात। माइग्रेटरी फिश है, माइग्रेटरी फिश है, गेम फिश है, और फूड के तौर पर भी लार्ज साइज है इसका, और इसकी वैल्यू बहुत है, मछली बहुत वैल्यू है, क्योंकि एक तो ये क्या नाम है, लार्ज साइज रखती है और हार्श इन्वायरमेंट को भी बियर कर लेती है, और दूसरा ये कि इसका जो ब्रीडिंग है, टाइम है, या इसका रिप्रोडक्शन जो है वो भी फास्ट होती है, और इसका लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में ये फिश जो है वो पाई जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट इसको समझा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी भी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये ओमनीवोरस नेचर की है, एलजी, क्रस्टेशियन, इंसेक्ट, फ्रॉग और स्मॉल फिशेस को ये खाती है। स्टेटस क्या है, ये थ्रेटन्ड स्पीशी है, इसे इंडेंजर्ड तो नहीं कहते, लेकिन ये पाकिस्तान की थ्रेटन्ड स्पीशी में आती है, और उसके बहुत सारे रीजन है, कि इसका हैबिटेट लॉस है, पोल्यूशन है, और ओवर फिशिंग। क्योंकि मैंने इसका बताया कि टेस्ट अच्छा होता है, बड़े साइज की होती है, और जो है इसको जो है मछेरे जो है वो बहुत लाइक करते हैं कि इसको पहले पकड़े, इसलिए ओवर फिशिंग से भी जो है इसकी अमाउंट कम हो रही है, और ये थ्रेटन्ड स्पीशी है। तो क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ केपी के हैव एस्टैब्लिश्ड महासीर फिश हैचरी एट थाना मालाकंड। तो थाना मालाकंड के पास जो है महासीर की बहुत बड़ी हैचरी बनी हुई है, जहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हो रही है इसकी, और वहाँ पे इसके जो फिंगरलिंग्स हैं या इसके सीडलिंग्स हैं वो प्रोड्यूस करके, और फिर उसको रिवर में जो है स्वात में और पंचकोड़ा रिवर जो है वहां पर छोड़े जा रहे हैं, ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो थ्रेटेंड से दोबारा नॉर्मल हो सके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जी हेमालयन गोल्डन महासीर, या सिंपली हम महासीर भी बोलते हैं, पाकिस्तान की नेशनल फिश। स्नो लेपर्ड, ये खैर नेशनल मैमल तो नहीं है, लेकिन इसे नेशनल हम जो है वो प्रीडेटर बोलते हैं, पाकिस्तान का नेशनल प्रीडेटर। और ये एक नई इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो नई होगी साबित होगी आप लोगों के लिए, कि ये जो स्नो लेपर्ड है ये पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता, बल्कि इसका जो कॉमन होम है वो सेंट्रल एशिया है, और सेंट्रल एशिया में भी ये इंडिया में, पाकिस्तान में, सेंट्रल एशिया में ये पाया जाता है, श्रीलंका में भी ये इसके मेंबर है, लेकिन सेंट्रल एशिया इसका जो है वो कॉमन होम है।
पूरी दुनिया में इस टाइम जो है अबाउट 8,000 जो है वो स्नो लेपर्ड हैं, आर बिलीव टू बी लेफ्ट इन द वाइल्ड वर्ल्ड वाइड में इसके जो है वो 8,000 तक इसके जो है मेंबर पड़े हुए हैं, और पाकिस्तान में फीवर देन 400, 400 से भी कम जो है वो पाकिस्तान में स्नो लेपर्ड हैं। हैबिटेट क्या है? माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया इन कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट, कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट में ये रहना पसंद करता है। सेंट्रल एशिया के माउंटेनस एरिया में जो है ये पाया जाता है। और किसको ये प्रे बनाता है? गोट को, शीप को, स्मॉल रोडेंट्स और बर्ड्स को। तो ये इनके जो है कॉमन जो है हम कह सकते हैं प्रे है। और ये हमारा नेशनल क्या है? प्रीडेटर है। 0.9 to 1.15 जो है वो हम कहते हैं मीटर इन लेंथ, 0.9 से लेकर 1.15 मीटर लेंथ है इसकी। थिक फर होती है विद ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट, व्हाइट कलर का ये फर होती है और उसके ऊपर ब्लैक और ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं। यूजली एक टाइम में 2 से 5 कप साइज है इसका जो बेबी प्रोडक्शन का जो है कि कितने हैं, 2 से 5 इसके जो है वो एवरेज साइज है इसका। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी है, रेड लिस्ट ऑफ IUCN इन 2003, 2003 की में जो रेड लिस्ट है IUCN में उसमें इसको क्या किया है, डिक्लेयर किया है इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी किया गया ड्यू टू द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, फ्रेगमेंटेशन, इलीगल हंटिंग, पोचिंग फॉर देयर फर। ज्यादातर जो है इसकी हंटिंग की किस मकसद के लिए किया जाती है? क्योंकि इसकी फर जो है वो बहुत कीमती होती है और सेल करने के लिए, बेचने के लिए जो है वो, यानी कि इसकी पोचिंग या इलीगल हंटिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, ऑल आर द फैक्टर फॉर देयर ये डिक्लाइन। कि ये क्यों डिक्लाइन हो रहा है, क्यों क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से, फ्रेगमेंटेशन की वजह से और इलीगल हंटिंग की वजह से। और खंजरेब नेशनल पार्क फॉर कंजर्वेशन, खंजरेब नेशनल पार्क जो था वो सबसे पहले उस बना था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव था कंजर्व करना, कंजर्वेशन करना किसकी? स्नो लेपर्ड की। हाँ जी, ये थे हमारी जो है आज के लेक्चर के हवाले से ये इंफॉर्मेशन। अब कोई इम्पोर्टेंट MCQs देख लेते हैं कि किस तरह से MCQs आ सकते हैं हमारे ये जो PPSC असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के टेस्ट में, नेशनल एनिमल या प्लांट के हवाले से चंद एक मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। वेयर इज द कॉमन प्लेस ऑफ स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड का कॉमन प्लेस क्या है? अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका? तो राइट आंसर जो है सेंट्रल एशिया है, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, ये अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका में नहीं है। अगला है जी, द वर्ड मार्फोर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैंग्वेज, कौन सा ये मार्फोर, कौन सी जबान का लफ्ज है? क्या ये अरेबिक का है, उर्दू का है, इटालियन का है या पर्शियन है? तो ये पर्शियन लैंग्वेज का ये वर्ड है मार्फोर, जिसका मतलब है स्नेक ईटर, सांप को, सांपों को खाने वाला। थर्ड है, द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड वर्ल्ड वाइड इज इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, थ्रेटन्ड। तो ये इसका क्रिटिकल इंडेंजर्ड क्या है? ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड इसका स्टेटस है। तो जैसे मैंने यहाँ बताया कि IUCN की लिस्ट जो है वो 2003 में जो दी थी रेड लिस्ट, उसमें ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और अगला है जी, मार्फोर इज स्पीशी ऑफ पाकिस्तान, एक्सोटिक है, बी पे एंडेमिक है, सी पे एंडेंजर्ड है, डी पे बोथ बी एंड सी। तो ये आएगा बोथ बी एंड सी, क्योंकि पाकिस्तान में ही ये पाया जाता है, पाकिस्तान का एंडेमिक भी है, लोकल भी है और साथ साथ ये एंडेंजर्ड स्पीशी भी है, लिहाजा बोथ बी एंड सी आएगा। इसी तरह किसी का भी पूछ सकते हैं, नेशनल नेशनल बर्ड या मैमल एनिमल्स के हवाले से भी पूछ सकते हैं कि कौन सा कैसे है। अब अगर यहाँ पे मार्फोर स्पीशी ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे एग्जॉटिक की बजाय नेशनल होता तो फिर डी में ऑल ऑफ दीज आ जाना था। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चित्राल गोल नेशनल पार्क वाज़ टू कंजर्व, नेशनल पार्क जो चित्राल गोल है वो किस मकसद के लिए बना? क्या वो स्नो लेपर्ड के लिए, मगर क्रोकोडाइल के लिए, ब्लैक बक के लिए या बी पे मार्फोर? तो मार्फोर के लिए जो है इसकी कंजर्वेशन। इसी तरह स्नो लेपर्ड की कंजर्वेशन के लिए कौन सा बना है? मगर क्रोकोडाइल, जो कि कोई नेशनल पार्क तो नहीं है लेकिन नारा डेजर्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वहां पे मगर क्रोकोडाइल की
क्या की जाती है कंजर्वेशन। और ब्लैक बक जो काला हिरन है, इसने इसकी कंजर्वेशन के लिए सबसे पहला जो वाइल्ड ये नेशनल पार्क बना था, लाल सुहारा नेशनल पार्क 1972, मकसद क्या था, काले हिरन की क्या करना, कंजर्वेशन करना। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है कि द वर्ड मारकोर इज डिराइव फ्रॉम लैंग्वेज, ये ऑलरेडी मैंने बताया कि ये पर्सियन लैंग्वेज है। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, विच एनिमल इमेज इज प्रेजेंट इन द लोगो ऑफ इंटर सर्विसेज ऑफ इंटेलिजेंस। ये इंटर सर्विसेज ऑफ इंटेलिजेंस के लोगो पे कौन से एनिमल की पिक बनी हुई है? क्या ए पे मार्कोर, बी पे शाहीन फाल्कन, सी पे चकोर, डी पे स्नो लेपर्ड। तो जल्दी से आपने शाहीन फाल्कन पे नहीं लगा देना, वो माना कि हमारा स्टेट बर्ड है, लेकिन जो उसके लोगो पे बनी हुई है वो मार्कोर की है। किसकी? इंटर सर्विसेज ऑफ इंटेलिजेंस के लोगो पे मार्कोर की जो है वो इमेज बना हुआ है। अगला है जी फोर्थ पे, सिक्रियो हॉट गोट इज द नेम ऑफ। सिक्रियो, ये हमारा आठवां जो है क्वेश्चन है, सिक्रियो हॉर्न गोट इज द नेम ऑफ। सिक्रियो हॉर्न गोट किसे कहते हैं? सिंध आइबेक्स को कहते हैं, मार्कोर को, यूरेल को, वाइल्ड गोट को। तो मार्कोर को जो है ये कहते हैं, सॉरी, सिक्रियो हॉर्न गोट जो है वाइल्ड गोट को नहीं कहते, ये मार्कोर को कहते हैं। तो यहाँ पे मार्कोर जो है ये सिक्रियो हॉर्न गोट भी कहलाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसी तरह नेशनल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो वो पूछ सकते हैं, नेशनल जो है वो फ्रूट कौन सा है या नेशनल वेजिटेबल कौन सी है, तो उसके हवाले से पूछा जा सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए। हमारे साथ कनेक्ट रहें, और न्यू जो है स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम रेस करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। अगले लेक्चर के साथ या क्विज के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।